तो मिशन यूपी के लिए प्रियंका गांधी आज से 4 दिवसीय दौरे के लिए लखनऊ पहुंच रही हैं। प्रियंका गांधी लखनऊ में अपना पहला मेगा रोड शो करेंगी। 9 घंटे के इस रोड शो के दौरान प्रियंका का साथ देंगे उनके भाई और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी और पश्चिमी यूपी के प्रभारी महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया। कांग्रेस महासचिव इस दौरान पार्टी दफ्तर में नहीं बल्कि वीवीआईपी गेस्ट हाउस में रुकेंगी। वो वीवीआईपी गेस्ट हाउस से कांग्रेस मुख्यालय जाएंगी और पार्टी के नए और पुराने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। पहले दिन रोड शो और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद देर शाम को राहुल गांधी दिल्ली रवाना हो जाएंगे। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया 13 फरवरी को वापस लौटेंगे, जबकि सबसे आखिर में प्रियंका गांधी 14 फरवरी को अपने 4 दिन के दौरे के बाद दिल्ली लौटेंगी। प्रियंका गांधी के 4 दिन के इस दौरे को कुछ इस तरीके से प्लान किया जा रहा है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस और उस पहले से ही लखनऊ में डेरा जमा चुके हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की कमान मिलने के बाद प्रियंका का मिशन यूपी शुरू होने वाला है। 11 फरवरी से प्रियंका का दौरा शुरू हो जाएगा। प्रियंका गांधी के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी लखनऊ के दौरे पर रहेंगे। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से प्रदेश कांग्रेस कार्यालय तक तीनों नेता रोड शो करते हुए पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से लेकर अवध हॉस्पिटल, आलमबाग, चौराहा, चारबाग हुसैनगंज, ओडीएन सिनेमा, हजरतगंज, राजभवन होकर प्रियंका प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचेंगे। रोड शो के दौरान जगह जगह पर नेताओं का सम्मान भी किया जाएगा। खबर है कि सोमवार की शाम को ही राहुल गांधी वापस दिल्ली लौट जाएंगे, लेकिन प्रियंका और ज्योतिरादित्य 14 फरवरी तक लखनऊ में ही संगठन की बैठकें करेंगे। सोमवार को रोड शो के बाद कांग्रेस के यूपी पूर्वांचल के प्रभारी प्रियंका गांधी और पश्चिमी यूपी के प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया अगले 3 दिन अपने अपने क्षेत्रों के लोकसभा सीटों में चुनावी खाका खींचेंगे। बैठकें लोकसभा क्षेत्र के संगठन और नेताओं की होंगी। प्रियंका के हिस्से में जहां 42 लोकसभा क्षेत्र है, वहीं ज्योतिरादित्य के हिस्से में 38 सूत्रों की माने तो मुताबिक हर लोकसभा क्षेत्र से तकरीबन 20 लोगों को बुलाया गया है। माना जा रहा है कि हर लोकसभा क्षेत्रवार बैठकों में क्षेत्र में पार्टी की स्थिति और चुनावी माहौल के बारे में जानकारी ली जाएगी। इस रोड शो के पहले बड़े कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश में डेरा डाल दिया है और प्रियंका गांधी के रोड शो को मेगा शो बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टुडे। लखनऊ में रोड शो से पहले प्रियंका का ऑडियो संदेश आया है। ऑडियो संदेश में प्रियंका गांधी ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, मैं प्रियंका गांधी वाद्रा बोल रही हूँ। कल आप सबसे मिलने के लिए मैं लखनऊ आ रही हूँ और मेरे दिल में आशा है कि हम सब मिलकर एक नई राजनीति की शुरुआत करेंगे। एक ऐसी राजनीति जिसमें आप सब भागीदार होंगे, मेरे युवा दोस्त, मेरी बहनें और सबसे कमज़ोर व्यक्ति, सबकी आवाज़ सुनाई देगी। आइए मेरे साथ मिलकर इस नए भविष्य, इस नई राजनीति का निर्माण करें। धन्यवाद। कांग्रेस की महासचिव और पूर्वी यूपी का प्रभारी बनाए जाने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार लखनऊ आ रही हैं। प्रियंका के स्वागत के लिए 14 किलोमीटर लंबे रोड शो कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। ये रोड शो राजधानी के प्रमुख 37 स्थानों से होकर निकलेगा। तो बता दें आपको, प्रियंका गांधी आज राजधानी लखनऊ आ रही हैं और उनके आगमन के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। उनका ये रोड शो करीब 14 किलोमीटर लंबा बताया जा रहा है और ये राजधानी के करीब 37 प्रमुख अलग अलग स्थानों से होकर के निकलेगा, जहाँ बीच में रुक कर वो विभिन्न महापुरुषों की मूर्तियों पर माल्यार्पण भी करेंगी और साथ ही साथ सबसे आखिर में उनका काफिला कांग्रेस दफ्तर में जाकर रुकेगा। इंदिरा गांधी की जिम्मेदारियों की तरह अब प्रियंका गांधी को भी महासचिव पद से नवाजा गया, जहां पर वो जिम्मेदारी जो कांग्रेस को एक मजबूत रीढ़ बनाने के लिए दी गई है, साथ में पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। पहली बार प्रियंका गांधी अपना पदभार संभालने के बाद उत्तर प्रदेश में आएंगी। हुसैनगंज चौराहे से होते हुए माना जा रहा है कि एयरपोर्ट से
सीधा वो हुसैनगंज चौराहे होते हुए, नोवेल्टी चौराहे होते हुए सीधा पीसीसी कार्यालय पहुंचेंगी। माना जा रहा है कि इस पूरे कार्यक्रम में 37 जगह ऐसे पड़ाव दिए गए हैं जहां पर उनका स्वागत किया जाएगा और 3 जगह वो माल्यार्पण करेंगी, जिसके सीधे तौर पर पटेल जो बात की जाए और साथ में महात्मा गांधी और संविधान रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद वो पीसीसी कार्यालय जाएंगी जहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, उसके साथ साथ तमाम अपने कार्यकर्ताओं से बात भी करेंगी और माना ये भी जा रहा है सूत्रों के हवाले से ये भी बात आ रही है कि एक भोज भी करेंगी अपने कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी कार्यालय के अंदर। लेकिन इसके बाद 11 से लेकर 14 तारीख तक का उनका ये कार्यक्रम है, लेकिन 12 से लेकर 14 तारीख तक मीटिंगों का दौर जारी रहेगा जिसमें जिला वाइज, लोकसभा वाइज तमाम उन नेताओं के साथ बैठक करेंगी जो नेता या तो चुनाव हार चुके हैं या फिर वर्तमान में विधायक हैं, और तमाम जो कमेटी के अध्यक्ष हैं उनसे भी बातचीत करेंगी। बहरहाल आखिर उत्तर प्रदेश की इस सियासत में प्रियंका गांधी कितना कमाल दिखा पाएंगी ये तो आने वाला लोकसभा चुनाव ही बताएगा, लेकिन उनका ये दौरा बड़ा खास माना जा रहा है क्योंकि सपा, बसपा और भाजपा तीनों में ही कहीं ना कहीं इस पूरे दौरे को लेकर एक सामंजस्य, एक अलग सी बेचैनी है क्योंकि भाजपा के तमाम नेता जो हैं बयानबाजी कर रहे हैं, प्रियंका गांधी को एक तरीके से टारगेट कर रहे हैं। जिस तरीके से 2014 के अंदर चुनाव के अंदर मोदी को टारगेट किया गया था, ठीक उसी तरीके से प्रियंका गांधी को टारगेट किया जाए तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी की जो छवि है वो इससे और मजबूत होती जा रही है। और कांग्रेसियों की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको अंदर एक नया उत्साह है क्योंकि पार्टी 29 साल से सत्ता से बाहर थी प्रदेश के अंदर और पिछले 5 साल से केंद्र की सत्ता से बाहर, तो जाहिर सी बात है कि प्रियंका गांधी के आने से लगातार जो मांग उठ रही थी वो पूरी हुई और अब उनके आने से कहीं ना कहीं 80 लोकसभा सीटों पर ज़्यादा प्रभाव माना जा सकता है। कैमरा संकेत यादव के साथ रामनिज भट्ट, लाइव टुडे, लखनऊ। और खबरों में फिलहाल रुक रहे हैं हम छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द लौटेंगे।